यंगस्टर या युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी का के लिए कहना चाहूँगा कि देखो, हम लोग प्राकृतिक लोग हैं, प्रकृति से पैदा हुए हैं, प्रकृति में ही बाद में मिलना है, और प्रकृति से हम दूर रह के अपने आप को सर्वाइव करने की जो आज होड़ मची हुई है कि हम अपने घरों के डिज़ाइन इस तरह से नहीं बना रहे हैं कि जिस पर हम आसानी से रह सकें, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी फैन और एनीथिंग वी कैन हाँ लिव। लाइट एक सॉल्यूशन नहीं है कि हमको 24 घंटे मिलनी चाहिए, हम उससे बेटर है कि कुछ ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए हमको, लेकिन प्लांट्स की जगह युवा पीढ़ी आजकल झाड़ियाँ लगा रही है, हर्ब्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो ना तो छाया देते हैं ना कहीं कुछ। आपको पेड़ का मतलब है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, दीज आर कॉल्ड प्लांट्स, है ना। तो आज इनको लगाने से लोग डर रहे हैं कि ये एक बाथरूम की जगह घेर लेंगे, लेकिन वास्तविकता में अगर आप, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो लोगों से पता लगाया तो पाते हैं कि 15 साल पुराना अगर एक नीम का पेड़ है, या ऐसा पेड़ जिसके तने को छीलने पर मिल्क टाइप का निकलता है, हाँ, तो अगर वो निकलता है तो ऐसे पेड़ एक तो ऑक्सीजन रिच होते हैं, दूसरा 15 साल का नीम का पुराना पेड़ कम से कम 20 एसी के बराबर काम करता है। मैं जिस विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, करीब 80-80 साल पुराने, 100-100 साल पुराने हैं, सरस्वती इंटर कॉलेज SIC सीपरी बाजार, तो उसमें आप जाके देखिए तो टेम्परेचर गेट से और उसके अंदर के बीच में कम से कम 15-20 डिग्री का टेम्परेचर आपको अंतर मिलेगा, वो ओनली बिकॉज ऑफ दोज ट्रीज। तो ये एक अच्छा है, आपका मन को प्रसन्न करता है। मॉर्निंग में अगर आप नहीं रोज़ पार्क तक जा सकते हैं, और आजकल जाना भी बड़ा ख़तरनाक है, बुजुर्ग लोग तो बेचारे उतनी दूर तक जाने में पीछे से कौन टक्कर मार रहा है, क्या कर रहा है, तो अगर आप ऊपर, अब चूँकि मुझे छत पर बनाना पड़ा तो हमारे फादर भी नहीं आ पा रहे हैं इस पर बिकॉज ऑफ देयर नीड्स, तो अब प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए अगर हम व्यवस्था कर सकते हैं कि उनको किसी तरह से ऊपर आसानी से पहुँच जाए, तो उनके लिए बड़ा है। आजकल है छोटी छोटी सी लिफ्ट लगने लगी हैं घरों के अंदर, तो उनके माध्यम से भी हम उनको ऊपर ले जा सकते हैं, और सेफ भी है, ग्रीनरी है। और दूसरी एक चीज़ जो हम अपने बच्चों से और अपने वाइफ से हमने देखा कि इसमें मॉर्निंग में इवनिंग में बहुत सारी बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लाई करती हैं, तो बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट कह दें हम या कीट कह दें कि वो वहीं जाता है जहाँ की एयर बहुत ही प्योर होगी, ये दिस इज़ द लिटमस टेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो जब कभी बटरफ्लाई को वहाँ देखता हूँ तो लगता है कि यहाँ का इस हमारे छत के आसपास का एरिया जो है उनके हैबिटेबल है, इसलिए वो दैट्स वाई दे आर कमिंग हेयर, है ना। तो ये है यंग पीढ़ी को, अब आजकल चूँकि इतना आपाधापी मची हुई है, हम कमा किसके लिए रहे हैं और जी किसके लिए रहे हैं, एक एमलेस लाइफ में लोग अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, है ना। जबकि एक मनुष्य को खाने के लिए रोटी और चावल वही है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, सोना नहीं खा सकता ये मैं जानता हूँ, हीरे जवाहरात नहीं खा सकता, लेकिन हम आपाधापी उसी में लगे हुए हैं, और उससे हमने अपना भी जीवन नष्ट कर लिया है और अपने आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन नष्ट कर दिया है। और आपका मन जब उसमें डाइवर्ट होता है, उनके संग प्रसन्न रहता है, तो आप इन चीज़ों, पुराने लोगों की जीवन शैली देखो ना, वो 100-100 साल जिंदा रहते थे, तो वो बिकॉज ऑफ दे आर लिविंग लिविंग लाइफ से थे, दे आर नॉट लिविंग ए वेरी हाई, वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हमारे यहाँ का एक स्लोगन है। लेकिन आज जो है कि हम हाई लिविंग दिखाएं, चाहे वो खाने को कुछ ना हो, है ना। तो ये है, इसको पीढ़ी को समझाया नहीं जा सकता, खैर यंग जनरेशन को आसान नहीं है समझाना, चाहे आप ये पॉल्यूशन, दिस इज़ ए काइंड ऑफ पॉल्यूशन, नॉट ओनली स्प्रेड इन अवर सोसाइटी एज वेल एज इन एवरीवेयर इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ, है ना। आप गानों को देख लो, जो हमारे कानों को मधुर बनाते थे, हमको सुनने में मधुर लगते थे, हमारे मन को प्रसन्न करते थे, आज आप सुन लीजिए, आप फिल्म देख के आ जाइए, आपको अगर एक गाने वहाँ से देखने के बाद याद रहे, और अगर याद भी रहा तो वो फ्यू वीक्स फ्यू डेज, नॉट फॉर एवर, दे आर नॉट एवर ग्रीन। तो ये एक ड्रॉबैक है, समय चूँकि प्रकृति का नियम है, समय परिवर्तन और परिवर्तन होता है, प्रकृति परिवर्तनशील है, भविष्य में कभी ये भी एक टाइम फिर से रिपीट होगा, है ना। इस आशा के साथ हम जानते हैं कि भाई चलो ठीक है, इस उम्मीद में ही लोग अपने जो है चल रहा है ना। लेकिन यंग जनरेशन एक्चुअल में अभी इसका महत्व तो नहीं समझ रही है। आप एक मकान बनाते हैं और 15 एसी लगाने की प्लानिंग कर लेंगे, उसमें अगर एक पेड़ लगा लेंगे तो वो 15 एसी को आपका वो पैसा बचाएगा, आपका मेहनत बचाएगा, आपको एक, हम इस समय आयरन चैम्बर्स बना रहे हैं सीमेंट और उसके, और इसके बाद उसको ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उसी के बीच में अगर हम एक प्लांट लगा दें तो हमको ना आयरन चैम्बर बनाने की ज़रूरत है, और बनाओगे तो वो उसको कूल किए रहे। तो इसको नहीं समझ रहे हैं हम, कितना पैसा हर महीने खर्च कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं इस पे नहीं है, कितना खर्च कर सकते हैं ये, इसको हम अपनी ब्रेवरी समझते हैं,
ये दिस इज द बेसिक ड्रॉबैक, और वो शायद अपने एंसेस्टर्स से वो नहीं सीखे इस चीज़ को, है ना। एक्स्ट्रा वेजेंसी इज द मेन ड्रॉबैक दिस डेज़।